शनि महाराज, राहुदेव, केतुदेव, इनसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनके बिना तो जीवन में चलना बड़ा ही मुश्किल है। और ये आजकल ये डर का विषय बनाया हुआ, कुछ नहीं मिलता तो चलो शनि देव तो है ही, शनि राहु केतु की वजह से दुकानदारी अच्छी चल जाती है। लाइफ में अगर आप राहु को नहीं लेके चलेंगे साथ में, राहु इज अ किंग, पैसा कैसे आएगा, नेम फेम कहाँ से मिलेगा? राहु ने तो बड़ा देना है ना, राहु के अंदर कैपेसिटी है एक को हजार में कन्वर्ट करने की। तो राहु अच्छा करिए, राहु को साथ लेके चलना है, डरने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। दोस्तों अगर आपको कोई प्लैनेट ऐसे अच्छी या बुरी पोजीशन, वैसे तो होती नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हम मेरा ये प्लैनेट किसी बुरी पोजीशन में है, तो आपको ये पता करवाना चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, आपको दिखाना चाहिए कि क्या रीज़न क्या है कि आपको ये प्लैनेट जो है वो इस पोजीशन पर मिला हुआ है। आपको लगता है कि वो इतना अमीर या वो इतना राइज क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, या मेरे पास सब कुछ है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो जो आपको प्लैनेट्स मिले हुए हैं, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर आपको जो भी वो प्लैनेट्स जहाँ पर भी मिले हुए हैं तो वो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, वो आपकी सोच पर निर्भर है। पता करिए कि ये प्लैनेट अगर आपको मिले हैं तो क्यों मिले हैं और किस वजह से मिले हैं।